नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तराखंड के चमोली से। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर जोशीमठ पुलिस द्वारा चार धाम यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों को जूस पिलाया गया। बता दें, चमोली पुलिस द्वारा जगह जगह तीर्थ यात्रियों को जूस पिलाया जा रहा है, जिसके बाद चार धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं ने चमोली जोशीमठ पुलिस की तारीफ की। कहा कि उत्तराखंड की पुलिस सच में मित्र पुलिस है। चार धाम यात्रा पर आए सहारनपुर के बबलू का कहना है कि पहली बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया हूं। जोशीमठ पुलिस द्वारा रास्ते में तीर्थ यात्रियों को जलपान कराया जा रहा है, जो कि एक अच्छी पहल है। उन्होंने जोशीमठ पुलिस के इस कार्य की सराहना की। चमोली से देखिए रिपोर्ट नवीन सिंह के साथ। दर्शन बहुत कठिन होते हैं और वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जब हमको ऐसा हुआ भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई कि भाई हम भी चलो आए। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड पुलिस की बता देता हूँ आपको। उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल एक ईमानदार पुलिस है, जिन्होंने हमको हमारे हमने देखा है कई स्टेटों में पुलिस हर जगह गाड़ियाँ रोकते हैं। पुलिस ने कहीं गाड़ी नहीं रोकी, ना किसी से कोई अब गलत भाषा का प्रयोग किया। बिल्कुल आरामदायक से गाड़ी चलिए, हम सबकी सेवा करते हैं। धन्यवाद के लिए आइए आप सभी के लिए सूक्ष्म जलपान व्यवस्था के लिए। और हमारी जो आस्था है भगवान के प्रति, उनके लिए ये सरकार कोशिश करती है, जिसको हम देख रहे हैं। इस बात को मैं नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार बिल्कुल वाकई में देश को बहुत ही आगे ले जाने के लिए सरकार तत्पर है। दूसरी बात में बता दो, हम दर्शन के केदारनाथ हमको दर्शन बड़े भगवान से हम कामना करते हैं कि हमको दोबारा बुलाए, यहाँ बार बार बुलाए। ऐसे दुर्घटना होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के भी किसी भक्त की आस्था है भगवान के प्रति, उसका बाली बाका नहीं होता। यहाँ पे करोड़ों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमने रास्ते में किसी को दुर्घटना होते हुए नहीं देखा है। भगवान की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे और बनी रहेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ।